तो आज सोच रहे हैं स्विमिंग करते हैं एंड आज अंडर वाटर शूट करने ट्राई कर रहा हूँ मैं, कभी ट्राई करा नहीं मैंने वैसे। एक्शन कैम ले जा रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि फ़ोन तो अलाउड ही नहीं होगा ऑब्वियसली, वाटर प्रूफ है नहीं मेरा फ़ोन, तो ले जाता हूँ एक्शन कैम नीचे, देखते हैं अंडर वाटर शूट कैसे आते हैं एंड कैसे परफॉर्म करता हूँ मैं, परफॉर्म क्या क्या शूट करता हूँ मैं, ये मेरा पहला ट्राई होगा। आई होप वीडियो अच्छा रहेगा, मैं ट्राई करूँगा अच्छा बनाने के लिए वीडियो, सो कीप वॉचिंग गाइस। सो हम जा रहे हैं स्विमिंग के लिए एंड सब सामान तैयार है एंड हम तो और सामान ले जा रहे हैं शूट के लिए, वो सामान यश के पास है, यश हमारे साथ है, हम साथ में स्विमिंग करने वाले हैं एंड अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने एक्शन कैमरा से, फ़ोन तो लाया नहीं हूँ जैसा को बताया, फ़ोन नहीं लेके आने वाला हूँ मैं, ना आपको वन डाउन बताएंगे शूट में हम लोग क्या यूज़ करने वाले चीज़ें, तो ताकि आप भी ले सकते हो वो चीज़ें शूट के लिए एंड वो एक्सेसरीज जो यूज़ करने वाला शूट में उसका लिंक नीचे दे दूंगा आपको मैं, तो चीज़ें दिखाता हूँ वन डाउन कि क्या है मेरे पास शूट के लिए आज स्विमिंग के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल के पास, अब जाने वाले हैं एंड हम लोग यूज़ करने वाले कुछ एक्सेसरीज शूट के लिए, जैसे को बताया मैंने वो है ये वाटर में ग्रिप होने के लिए बेटर रहता है एंड ऊपर से अगर एक्शन कैम छूट जाता है ये फ्लोट करता है, ये येलो पार्ट वैक्यूम में अंदर एंड ऊपर ये जो है हाउसिंग है एक्शन कैम की, जो वाटर प्रूफ हाउसिंग होती है, शॉक प्रूफ हाउसिंग होती है एंड हम लोग यूज़ करने लाइक हेड गेयर, ताकि सर पर लग जाए एक्शन कैम तो हमें ज़्यादा हाथ का यूज़ करना ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड मैं साथ में गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे हाथ में अभी आपसे बात करने टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आप भी ट्राई कर सकते हो शूट के लिए तो वो चीज़ें खरीद सकते हो, तो इंटरेस्ट अगर आपका एक्शन कैम हो, इवन काफ़ी सारे एक्सेसरीज फोन पे भी लग जाते हैं अगर आपका फ़ोन वाटर प्रूफ का है तो। सो लेट्स बिगिन द शूट अंडर वाटर। तो क्या सीनेसिन हो गई है स्विमिंग पूल का, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है एंड स्विमिंग मेरी काफ़ी वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटीज़ में से है। वैसे मेरी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है पर यूट्यूब के आने के कारण काफ़ी एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई या कुछ छूट गई है,
मैं फिर से एक्टिविटी को ज्वाइन करूंगा अपनी लाइफ में, लाइक लाऊंगा अपनी लाइफ में फिर से. एंड काफ़ी चीज़ें बताऊँ आपको, एक और ब्लॉग बनाने का सोच रहा हूँ मैं, पर आप बताइए कि बनाऊँ या ना बनाऊँ. लाइक यूट्यूब पे कम्प्लीटली कि कितना क्या होता है, यूट्यूब का सिस्टम क्या है, चलता कैसा, पैसा कैसा आता है, क्या चीज़ बढ़ती है, एंड और जो भी बेसिक क्वेश्चन हर एक न्यू बिगिनर यूट्यूबर के दिमाग में आते हैं वो सब. एंड कुछ और चीज़ें होगी कि बैक साइड ऑफ यूट्यूबर्स की लाइफ कैसी होती है, उस बारे में बताऊँगा आपको मैं. पर कन्फ्यूज हूँ कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ, आप लोग बताइए कि बनाना नहीं चाहिए. तो गाइस तो ब्लॉग ये वाला खत्म यहीं करता हूँ मैं, तो आपसे मिलता हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में. गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाना, और बहुत ही अच्छा लगा तो लोगों से शेयर करना. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कुछ और क्वेरीज हैं चीज़ों के बारे में बताना कि तारीफ करनी है या कुछ बुराई करनी है, तो गाइस कमेंट बॉक्स हमेशा खुला आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स जरूर लिखना इस बारे में, वीडियो के बारे में. गाइस अगले ब्लॉग में आपको मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर.